दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में मैदान पर आया सूर्य कुमार यादव का तूफान, जबकि सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे से उड़ा कर रख दिए और मैच इतनी गेंदों में सबसे तेज शतक ठोकने के बाद नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं सूर्य की भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 विकेट से हराकर उसकी औकात याद दिला दी और अब दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया धर्मशाला के मैदान पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए 3 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा कैमरून ग्रीन ने 145 रन की तूफानी पारी खेली तो वहीं स्टीव स्मिथ ने 35 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा 15 रन के स्कोर पर आउट हो गए, ईशान किशन 10 रन के स्कोर पर आउट हो गए और वहीं विराट कोहली 45 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर तूफान आया सूर्य कुमार यादव का, जबकि सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे से उड़ा कर रख दिए और मैच 29 गेंदों का सामना करने के बाद 149 रन की तूफानी पारी खेल डाली और वहीं दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या ने 25 रन का योगदान दिया और इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम से WTC फाइनल में हार का बदला ले लिया।